आयुर्वेदा में सूरज ढलने के बाद कुछ भी खाने को सही नहीं समझा जाता है। कहा जाता है कि सूरज ढलने के साथ साथ हमारी डाइजेस्टिव फायर भी कम हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्रेकफास्ट और लंच हमारा हैवी होना चाहिए ताकि हम डेली रूटीन के जो काम करें उसमें हमारी एनर्जी बनी रहे, हमारी एक्टिवनेस, हमारी फुर्ती उसमें बनी रहे। और डिनर हमारा थोड़ा हल्का हो सकता है क्योंकि उसके बाद हमने आराम ही करना है। आयुर्वेद में भी हमें यही समझाया गया है कि सूरज ढलने के बाद हमें हल्का खाना चाहिए या हमें सूरज ढलने के बाद बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लेकिन आजकल की हमारी लाइफस्टाइल में हमारा रात को डिनर जो है वो हैवी हो जाता है। फैमिली के साथ ऑफिस में नाइट शिफ्ट करना और स्टूडेंट्स का देर देर रात तक पढ़ना, आजकल सिस्टम थोड़ा उल्टा हो गया है। इसकी वजह से ब्रेकफास्ट हमारा लाइट और डिनर हमारा हैवी हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जो रात को जो भी प्रोडक्टिव काम करते हैं, जैसे ऑफिस जाते हैं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पर कोशिश करें पहले तो दिन में पढ़ लें, पर जो ये अपने साथ अपने आप को फ्यूल भी करते रहें, थोड़ा हल्का खाना खाएं रात में। इसमें आप रात को स्प्राउट्स खा सकते हैं, ये मैंने एक पिछली वीडियो में शेयर भी किया है आप सबके साथ, और ओट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, इस तरह से अपने नाइट का खाने को थोड़ा लाइट कर सकते हैं। और ज़रूरी बात ये दोस्तों कि खाना खाने के बाद जो हमने रात को कुछ हैवी खा लिया उसके और सोने के बीच में हमें कम से कम 2 घंटे का गैप ज़रूर रखना है, और उस बीच में हो सके तो वज्रासन ज़रूर करें। वज्रासन हमारे खाने के पाचन क्रिया को अच्छे से करता है, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है जिससे कि हमारा खाना अच्छे से पचता है और हमारी को गैस की प्रॉब्लम भी नहीं होती। गैस की प्रॉब्लम में भी ये बहुत लाभदायक है, तो वज्रासन ज़रूर करें। 10 से 15 मिनट स्लो वॉक भी कर सकते हैं। सोने से पहले 2 घंटे का गैप जरूर रखिए। शाम को चाय कॉफ़ी इग्नोर कीजिए, अपने सोने से 4-5 घंटे पहले ही चाय कॉफ़ी ले लीजिए। सूरज ढलने के बाद थोड़ा लाइट खाना खाएं और फास्ट फूड को इग्नोर करें, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें।